सॉरी थोड़ा डिले किया, चुनाव है कई बार फंस जाते हैं। मैं आज आपके सामने एक बार फिर से एजुकेशन के संदर्भ में आप सरकार के रिपोर्ट कार्ड का एक पहलू रखने आया हूं। मोटे तौर पे देखें तो एजुकेशन को लेके दिल्ली में या देश भर में दो ही इशू हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत खराब होती जा रही है और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं, और सरकारों कि ना कोई नियत है ना कोई समझ है गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को ठीक करने के लिए, और दूसरा प्राइवेट स्कूल्स की फीस से पेरेंट्स दुखी हैं। प्राइवेट स्कूल की फीस को लेके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन की गई, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि प्राइवेट स्कूल्स के बारे में कि वहाँ फीस बहुत आर्बिट्ररी तरीके से बढ़ती रहती है, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती और प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती चली जाती है। देखा यह गया पिछले वर्षों में कि गवर्नमेंट स्कूल्स को जानबूझ के बंद किया गया ताकि प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा मिल सके। ऐसा भी दौर आया कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हर जगह इतनी खराब की गई और जिन लोगों के सर पे जिम्मेदारी थी उसमें बहुत सारे नेता भी रहे, बहुत सारे नेताओं के लोग रहे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और बहुत सारे ऑफिसर्स भी रहे, उन्हीं लोगों ने अपने परिवारों ने उनके परिवार के लोगों ने ही प्राइवेट स्कूल खोल लिए और प्राइवेट स्कूल्स को खुली छूट दी गई, वो चाहे जैसे प्रोसेसेस अपनाएं, वो चाहे जैसे नियमों को कानून को धज्जियां उड़ाएं, और उन्हीं सब इलाकों में गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए। मैं जब बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स में भी बैठा तो वहाँ भी मेरे सामने बात रखी गई, भाई हम गवर्नमेंट स्कूल्स को, मैंने सवाल किए वहाँ पर कि क्यों बंद कर रहे हैं, तो मेरे सामने कहा गया नहीं नहीं बंद इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं हैं, लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा भी कि फिर आप लोग अगर सिंसियर हैं गवर्नमेंट स्कूल को चलाने पे, एजुकेशन को रिफॉर्म करने पे, तो एक बार स्टडी करिए ना कि जिन इस इलाकों में आप हजारों गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर रहे हैं उस इलाके में कितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं और वो प्राइवेट स्कूल कितने नेताओं के हैं, इतनी स्टडी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट स्कूल बंद होने के कारण और प्राइवेट स्कूलों के। खैर, दिल्ली में हमने 5 साल पहले जब हम वोट मांगने गए थे लोगों से तो हमने ये वादा किया था कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई को बहुत शानदार करेंगे, प्राइवेट स्कूल के इक्विवेलेंट लेके आएंगे और प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करेंगे। ये हमने दोनों वादे अपने चुनाव में किए थे। गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, 20,000 कमरे बन गए, टीचर्स की ट्रेनिंग, रिजल्ट्स, इन सब पे बहुत बात हो चुकी है, आप लोग खुद लगातार बात करते रहे। प्राइवेट स्कूल पे भी हमने अपना वादा निभाया है। प्राइवेट स्कूल्स में भी आज 5 साल के बाद हम कह सकते हैं कि हमने पिछले 5 साल में दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मुनाफे की दुकान नहीं बनने दिया। आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार इस मामले में सक्सेसफुल रही है कि दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूल्स को मुनाफे की दुकान नहीं बनने दिया। दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें से कुछ प्राइवेट स्कूल वाकई बहुत शानदार काम कर रहे हैं और मैं एज ए सिटीजन, एज ए पेरेंट और एज ए मिनिस्टर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत लगातार डिटेरियोरेट होती चली गई तो उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स ने ही दिल्ली की जनरेशन्स को अच्छी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी निभाई। आई रियली सैल्यूट देम फॉर दिस वर्क दैट दे हैव प्लेड। करीब 10-15 साल का ऐसा दौर रहा, 20 साल का, जहां बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट स्कूल्स खराब होते चले गए और प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेशन को संभाला, नहीं तो दिल्ली की एजुकेशन पूरी की तरह ठप हो चुकी होती। कुछ प्राइवेट स्कूल्स वाकई जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने अपने आप को मुनाफे की दुकान बना लिया था। दिल्ली सरकार ने इस मुनाफे की दुकान को बंद किया, उसका मैं कुछ आपके सामने डेटा रख रहा हूं और एक ऐसे समय पर रख रहा हूं पिछले 5 साल में जब दिल्ली सरकार ने मुनाफे की दुकान बंद की, वहीं पे यूपी, हरियाणा, पंजाब में आज भी मुनाफे की दुकान चल रही है। वहां के मुख्यमंत्री जब पेरेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स की प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है तो उल्टे टीवी मीडिया के सामने, टीवी कैमरों के सामने पेरेंट्स पर बरसते देखे गए हैं, उनके ऊपर हेल्पलेसनेस दिखाते देखे गए हैं, वहां के अधिकारी देखे गए हैं। तो मैं आज आपके सामने थोड़ा सा डेटा रख रहा हूं दिल्ली का। दिल्ली में वैसे तो 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल्स हैं पर उनमें बहुत सारे स्कूल्स लोकल नेबरहुड में और उन सब में चलते हैं, वहां फीस और एडमिशन के बीच में एक रिश्ता रहता है कि फीस उतनी बढ़ती है जहां एडमिशन मिलते हैं। करीब 300-350 बड़े स्कूल्स हैं दिल्ली में जिनके एडमिशन में भी मारामारी रहती है, जिनकी फीस में भी मारामारी रहती है और जिनके जिनको लेके लोग
दुखी रहते हैं, 364 स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए हैं। एज पर लैंड, एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, जमीन देते वक्त इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि ये फीस तभी बढ़ा पाएंगे जब सरकार से परमिशन लेंगे। 78, 72, उस दौरान 70s के दौरान, 80s के दौरान इन स्कूलों को जमीन दी गई थी, प्राइवेट स्कूलों को, और वहां लैंड क्लॉज में लिखा गया है कि आप प्राइवेट स्कूल हैं, आप प्राइवेट स्कूल की जमीन ले लें, एक रुपए पे आपको जमीन दी जा रही है या बहुत बहुत हद से ज्यादा सब्सिडाइज इस पे जमीन दी जा रही है, आपको फीस बढ़ाने की अनुमति तभी दी जाएगी, आप फीस तभी बढ़ा पाएंगे जब आप सरकार से अनुमति ले लेंगे। लेकिन 70s से लेकर और 2015 तक किसी ने इस क्लॉज का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी इस क्लॉज को इन्वोक नहीं किया। केजरीवाल जी की सरकार जब पावर में आई 2015 में, तो इस क्लॉज को इन्वोक किया गया और इसके तहत प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने की अनुमति मांगने के लिए कहा गया। ये बहुत बड़ी चीज थी, हम भी हैरान थे देख के कि 78 में जिस स्कूल को जमीन दी गई, 75 में दी गई, 72 में दी गई, 82 में दी गई, वो स्कूल लगातार हर साल 15% 20% फीस बढ़ा देते थे और सरकार के कान पे जूनी रेंगती थी, जबकि सरकार ने चिट्ठियां लिख के, सरकार ने एग्रीमेंट में लिख रखा है कि आपको जमीन दी इस शर्त पे जा रही है कि आप फीस सरकार से पूछ के बढ़ाएंगे। हर साल एवरेज जो हमने निकाला, 12 से 15% फीस बढ़ाई जाती थी 2015 से पहले। इसका मतलब अगर आप सिंपली देखें कैस्केड इंपैक्ट पे, तो 5 साल के अंदर अंदर 75% फीस बढ़ जाती है। आज दिल्ली के पेरेंट्स को इन 350 स्कूलों में 75% फीस बढ़ोतरी से बचत दिलाई है दिल्ली सरकार ने। कैसे दिलाई है? 2015-16 में सरकार बनी थी और फरवरी में बनी थी, इसलिए उस वक्त तक तो बहुत एडमिशन्स वगैरह सब फिनिश हो गए थे, फीस वगैरह भी सारी, क्योंकि पहले क्वार्टर की तो ले लेते हैं लोग। 2015-16 में दिल्ली के इन 350 स्कूल्स ने ऑल ऑफ देम इंक्रीज फीस 18 से 15% का रेट पे, क्योंकि हमने सारा डेटा निकाला आज आपके सामने रखने से पहले, 8 से 15% फीस इन लोगों ने बढ़ाई 2015 में, सारे स्कूल ने बढ़ा दी थी। 2016-17 में हमने इस क्लॉज को इन्वोक करना शुरू किया। 2016-17 में 364 में से 334 स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी गई, उनकी फीस पिछले 2015-16 के बराबर रही, और जिनको परमिशन दी गई क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया, उनको भी बहुत स्क्रूटनी करा के, सीएजी ऑडिट करा के, उनके जितने भी, क्योंकि वो 25-25% तक मांग रहे थे, 5 से 8% की अनुमति दी गई कुछ स्कूलों को। 2017-18 में किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई। 2018-19 में किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई। 2019-20 में फिर से बहुत सारे स्कूलों ने परमिशन मांगी, तो 309 स्कूलों को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई। तो आप देखिए 364 में से पहले साल जब हम सरकार में आए 15 में सब ने फीस बढ़ाई 8 से 15%, उससे पहले 12 से 15% हर साल बढ़ा देते थे सारे। 16-17 में 334 ने फीस नहीं बढ़ाई, 334 को नहीं बढ़ाने दी गई। 17-18 में एक को भी नहीं बढ़ाने दी गई। 18-19 में एक को भी नहीं बढ़ाने दी गई। 19-20 में 309 स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी गई। इतना ही नहीं, 2009-10-11-12 में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और आर्बिट्री फीस इंक्रीज पे एक टिप्पणी की थी कि इट सीम्स कि ये टीचिंग शॉप्स बन गए हैं, कोट एंड कोट वर्ड ले रहा हूं मैं, और उन्होंने उस वक्त जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनकी टीम ने मिलकर पूरी स्टडी की अकाउंट्स की बहुत सारे स्कूल्स के, और उस स्टडी के बेस पे कहा कि इन्होंने फीस एक्सेस चार्ज की है। 2009-10 से लेके उसके बाद से गवर्नमेंट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। 16-17 में जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, तो वी फाउंड कि जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के ऑर्डर्स पर कोई काम ही नहीं हो रहा। तो जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के द्वारा बताई गई फीस को फिर हमने, जो कि एक्सेस फीस थी, वापस कराया, और उसके बाद 2015-16 में भी, 16-17 में भी जिन लोगों ने हमसे पूछे बिना बढ़ा दी थी उनकी फीस भी वापस कराई। इंटरेस्टिंग है कि 4 साल में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट कराया था कुछ महीने पहले, कुछ दिन हफ्ते पहले, तो मुझे पता चला कि 198 स्कूलों ने 32,10,00,000 रुपए की फीस 78,000 स्टूडेंट्स को लौटाई। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो 2010-11 में फीस देके स्कूल से, कॉलेज से भी पास आउट हो गए थे, फिर उनके घर चेक पहुंचे
कि साहब आपसे हमने 2010-11 में ज्यादा फीस ले ली थी, वो फीस वापस की। 2015-16-17 में भी जिनकी जिन्होंने सरकार से बिना परमिशन लिए फीस बढ़ा दी थी उनके भी वापस कराए, या उनके बच्चे पढ़ रहे थे तो एडजस्ट कराए आगे। लेकिन 32 करोड़ रुपए करीब 80,000 स्टूडेंट्स के, यानी कि 80,000 फैमिलीज के वापस कराए, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं इस रिकॉर्ड को रखते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे आसपास के राज्यों में देखें तो गुड़गांव, फरीदाबाद और इन सब में बीजेपी की सरकार है, नोएडा और गाजियाबाद में भी बीजेपी की सरकार है, थोड़ा सा आगे चलें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी या कांग्रेस पूरे देश में एक मॉडल ऐसा दिखा दे जहां उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीस वापस कराई हो, या 5 साल तक किसी एक सरकार के शासनकाल में फीस इस तरह से बढ़ाने से रोक दी हो, प्राइवेट स्कूलों को मुनाफे की दुकान बनने से रोक दिया हो। नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब हमने टाइट स्क्रूटनी कराई थी, कुछ एनेक्डोटल एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्यों नहीं बढ़ाने दी गई। ऐसा नहीं है कि हम फीस बढ़ोतरी को कोई इज्म से जोड़ के चल रहे हैं, मैथमेटिक्स है। देश का कानून कहता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट में नहीं, प्रॉफिट की कंपनी की तरह से नहीं चल सकता। प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट पे चलते हैं, ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर होती है, और उसका कानून ये कहता है कि ये ट्रस्ट जो भी काम करेगी उसमें प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकती है। उस कानून को हम ठीक से अनुपालन करा रहे हैं। हमने जब इन सब की स्क्रूटनी कराई तो दिल्ली, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स आप खुद भी गूगल करेंगे बीच बीच में निकल आते हैं। एपीजे स्कूल था शेखसराय में, उसने एक्स्ट्रा फीस कर दी थी और 31 करोड़ की उसकी फीस उसके पास में, जबकि 31 करोड़ का बैलेंस बचा हुआ था। हमने उसको ऑर्डर किया और उसकी एक्सेस फीस रिफंड कराई, या जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे उनको एडजस्ट कराया। मैक्सफोर्ड स्कूल का इसी तरह से परवाना रोड पीतमपुरा का आया था, 25% से 15% फीस बढ़ा दी थी उन्होंने। उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए और उनकी सारी फीस लौटवाई। एक और प्राइवेट स्कूल था, उसने EWS बच्चों से बुक्स और यूनिफॉर्म के पैसे ले लिए थे, उससे उसके पैसे वापस लौटवाए EWS स्टूडेंट से। इसी तरह से क्वीन मैरी एक स्कूल है नॉर्थ एंड मॉडल टाउन में, उसके पेरेंट्स ने एक मैसेज भेजा था, एक बार हमको एक ईमेल किया था, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने सोचा आपके लिए उसका मैं कोट अनकोट पढ़ देता हूँ, आप प्रेस रिलीज में दे दीजिएगा। वी आर वेरी हैप्पी विद द डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट की थी फीस बढ़ने की। We are very very happy with the development. This has further cemented our trust in your government and the Chief Minister. I wish they keep working the way they are for the betterment of the education. Parents बहुत खुश थे इसको लेके। अब मैं थोड़ा सा हरियाणा, पंजाब और यूपी का भी आपके सामने खाका रख देता हूँ। हरियाणा में लॉ ऑफ द लैंड तो सारी जगह एक ही है, सारे देश में स्कूल ट्रस्ट से ही चलते हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन हरियाणा में लगातार फी हाइक होती रहती है। हर जगह पेरेंट्स चीखते चिल्लाते रहते हैं, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, मीडिया भी रोज कवर करता है जब भी स्कूल फीस का बढ़ने का होता है, लेकिन कुछ नहीं होता उसमें। वहां पर फीस को, फी हाइक को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं बना रखे उन्होंने। रूल्स इन्वोक करने की, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की बात तो बात की है, हरियाणा में कोई वो नहीं है। और उसके ढेरों एग्जांपल्स हैं, जंतर मंतर तक आके पेरेंट्स प्रदर्शन करके गए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे भी पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, हरियाणा में मैं स्टडी कर रहा था, कि प्राइवेट स्कूल्स को अपने इनकम और एक्सपेंसेस का ब्यौरा सरकार को फॉर्म 6 में लिख के देना होता है। ये फी रेगुलेशन के लिए नहीं है, बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। वो भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है थ्रू मीडिया, वहाँ के लोकल मीडिया सोर्सेज से जो वहाँ पे छपी हैं, 5,000 प्राइवेट स्कूल्स में से करीब 4,500 स्कूलों ने तो फॉर्म 6 ही नहीं भरा। तो क्या करना है, मतलब प्राइवेट स्कूलों को सीधे मुनाफे की दुकान बनने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने गुड़गांव और फरीदाबाद में छोड़ रखा है। यहाँ यूपी में आप देखें, उत्तर प्रदेश में 2018 में कानून बनाया गया और बाकायदा उनको 7-8% फीस बढ़ाने की अनुमति प्राइवेट स्कूलों को दे दी गई। क्यों दे दी भाई? अगर देश का कानून, देश की व्यवस्था ये कहती है कि प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट में नहीं चलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है,
तो फिर आप 7-8% परमिशन क्यों दे रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस, वो कितना ही भी खर्चा करें, सैलरी की उनको जरूरत है कि नहीं है, सैलरी बढ़ाने के लिए जरूरत हो तो बढ़ाएं, या खर्चे बढ़ाने के लिए जरूरत हो, खर्चा करने के लिए जरूरत हो तो बढ़ाएं, 7-8% ब्लैंकेट चेक दे रखा है उत्तर प्रदेश में, और उसका फायदा उठा के गवर्नमेंट से एक तरह से इंडिकेशन है, उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग सारे स्कूल, गुड़गांव, ये नोएडा और गाजियाबाद के पेरेंट्स तो हमेशा इस बात को लेकर प्रोटेस्ट पर रहते हैं, हर साल 10-10, 15-15% फीस तो हर साल बढ़ा लेते हैं, 8% सरकार ने छूट दे रखी है, 10-15% वो लोग कर लेते हैं। इसी तरह से पंजाब में भी 7-8% पर एनम की, एकदम यूपी की तरह से बढ़ाने की परमिशन दे रखी है, तो वहां भी यही क्वेश्चन है कि भाई क्यों वो कर रखा है। और प्राइवेट पब्लिशर से बुक्स खरीदने के लिए भी वहां पेरेंट्स का बहुत प्रोटेस्ट चलता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपके सामने कि प्राइवेट स्कूल भी इस देश के एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी रियलिटी है, जहां गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के सामने सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट सीरियसनेस के साथ, फंड्स के साथ, विजन के साथ उनको ठीक नहीं करती है, और जानबूझ के ठीक नहीं करती है, ताकि नेताओं के और पुराने अफसरों के, उनके परिवारों के प्राइवेट स्कूल चल सकें। वहीं प्राइवेट स्कूल्स के सामने जो अच्छा भी चल रहे हैं कुछ को छोड़ के, ये है कि वो फीस को लेके पेरेंट्स को बहुत रुलाते हैं। दिल्ली सरकार बहुत कमिटमेंट के साथ दिल्ली के पेरेंट्स के साथ खड़ी हुई, और आज गर्व के साथ कह सकती है कि हमने चुनाव में वादा किया था कि हम प्राइवेट स्कूल्स को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बनने देंगे, और हमने 5 साल में उस वादे को पूरा किया है, और ना सिर्फ पूरा किया है बल्कि उसके सामने, भले कोर्ट्स में जाके भी हमारे ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया, हमने कोर्ट्स में जाके भी लड़ाई लड़ी, और आज पेरेंट्स के हित की रक्षा के लिए हमने जो भी जरूरी कदम थे उठाए। वापस मैं अपनी बात में आखिर में चुनौती देके कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव के मैदान में है। कांग्रेस तो चुनाव में कहीं खड़ी नहीं है, पर उनके राज्य का भी मैंने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में भी है और राज्य की सरकार में भी है, अलग अलग राज्यों में। एक राज्य बता दो आप अपनी सरकार का, बीजेपी वाले, जहां आप ये कह सकें कि देखिए हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोक दी, या जिन्होंने बढ़ा दी थी ये हमने ब्लैंकेट वापस कराई, एक राज्य बता दीजिए इतने सारे राज्यों में। इसीलिए हमने कहा कि इस बार दिल्ली का चुनाव तो काम पे होगा, और प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकना दिल्ली के लाखों पेरेंट्स की जिंदगी में किया गया एक ऐसा काम है जिसको दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। थैंक यू। स्कूल पे किसी का नहीं, अगर कहीं से कोई शिकायत मिलेगी, क्योंकि हमारे पास में जब भी फीस बढ़ती है मेरे पास पेरेंट्स आते रहे और मैं उनके खिलाफ एक्शन लेता रहा। कैपिटेशन फीस किसी लॉ के तहत तो ली नहीं जाती है, लेकिन अगर कहीं कोई कैपिटेशन फीस ऑब्वियसली ली जा रही है और मेरे पास में पेरेंट्स विद डॉक्यूमेंट्स, अगर क्योंकि फीस के मामले में हमेशा पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स के साथ रिक्वेस्ट की और कानून था सीधे सीधे, कैपिटेशन फीस किसी कानून के तहत नहीं ली जाती है, तो अगर कैपिटेशन फीस को लेके भी कोई शिकायत इस तरह की मिलेगी निश्चित रूप से सरकार एक्शन लेगी। अच्छी बात है, 5,000 सभाएं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर चुकी है, और अगर वो पूरा का पूरा कैबिनेट, पूरा का पूरा इतना प्रधानमंत्री जी देश का काम काज छोड़ के दिल्ली का चुनाव लड़ाने के लिए सीरियस हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पतली हालत में है, बहुत बुरी हालत में है दिल्ली में, ये इस बात का संकेत है। मुझे सूचना मिली थी और मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें इंटरव्यून करके बात भी कराई थी, शायद आप उन पत्रकार के चैनल में और उनमें बात भी हुई है कुछ, मुझे बहुत उसके बाद सबसिक्वेंट डिटेल्स मेरे पास में नहीं है उस घटना की। आप उसकी आलोचना करते हैं? बिल्कुल, किसी पत्रकार के साथ अगर कुछ इस तरह का हुआ है तो नहीं होना चाहिए।